बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा था। मैं आज आपके साथ DIY स्प्रे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक करना, मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। विनीगर जो है ये पूरी तरह से डैंड्रफ को ख़त्म कर देता है, ये बालों को सॉफ्ट बनाता है और शाइनी बनाता है। इससे स्कैल्प पूरी तरह से क्लीन हो जाते हैं, कोई भी तरह का बैक्टीरिया फंगस अगर आपके स्कैल्प में हो तो वो भी ठीक हो जाता है। यहाँ मैं पानी का भी यूज़ करूँगी स्प्रे बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आधे कप विनीगर यूज़ करूँगी। और एक कप पानी में यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप इसका हाफ बना सकते हैं, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप इसे कर लेना अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद इसे मैं स्प्रे वाले बोतल में फिल कर दूंगी। इसे लगाना स्प्रे वाले बोतल से तो बहुत ही आसान होता है, आप अगर चाहे तो कॉटन से भी लगा सकते हैं। अब मैं इसे अपने बालों में स्प्रे कर रही हूँ, मैं स्कैल्प में इसे स्प्रे कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो आप इसे शैम्पू करने से पहले या शैम्पू करने के बाद में भी इसे आप यूज़ कर सकते हैं। बालों का अगर बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट बनाना हो तो आप इसे शैम्पू करने के बाद में भी यूज कर सकते हैं। बालों का झड़ना एकमात्र कारण डैंड्रफ भी है। डैंड्रफ के कारण आपके सिर में भी पिंपल्स हो जाते हैं, हमारे फेस में भी पिंपल्स और ड्राइनेस भी बढ़ जाती है। डैंड्रफ के कारण भी हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं और बाल टूटने लगते, कमज़ोर होने लगते हैं। तो आप इसे ज़रूर आप ट्राई करना। सर्दियों में इसका यूज़ तो बहुत ही अच्छा है हमारे बालों के लिए। इसे सॉफ्ट बनाता है, शाइनी बनाता है और फ्रिजी बालों के लिए तो और भी अच्छा विनीगर है। इससे बाल फ्रिजी कम होते हैं, टूटते कम हैं, गांठ कम लगती है बालों में। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको रिज़ल्ट कैसा मिला। इसे लगाने के बाद आप सिंपल पानी से आप वॉश भी कर सकते हैं या फिर आप शैम्पू भी कर सकते हैं बालों में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे लाइक करना। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए